Assalamualaikum and welcome to the Breakfast Show. मैं हूँ आयशा अब्रार और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आपको कहती हूँ खुशामदीद. गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग है, कुछ लोगों के लिए नहीं है. आई एम श्योर वो तमाम ख्वातीन जो इस वक्त सब चीज़ों से फ्री होके हमें देख रही है ना, उनके लिए आई एम श्योर कि मॉर्निंग जो है वो नहीं है. वाई? बिकॉज मॉर्निंग हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है जनाब, 5 बजे 6 बजे नाश्ते बना के सबके लिए और जो है वो सुपरवाइज करके बच्चों को भेज के, प्रॉब्ली हस्बैंड को भेज के या ख़ुद भी जो है वो काम पे निकल जाती है, या अगर आज फॉर एनी रीज़न मंडे ब्लूज़ हैं और छुट्टी की है तो आज का शो हमारा देख रही हैं. तो वेल, आज का हमारा जनाब पहला एपिसोड आप देख रहे हैं द ब्रेकफस्ट शो की. और द ब्रेकफस्ट शो जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए हम लेके आए हैं और इसमें आप भला क्या देख सकते हैं. जब हम कहते हैं मॉर्निंग शो तो एक ख़ास तरफ थोड़ा सा दिमाग जाता है कि शायद हो सकता है सुबह सुबह शादियां हो रही हो और सुबह सुबह जो है वो मेकअप हो रहा हो. हमारा जो शो है बेसिकली वो हमने क्यों सोचा उसको आपके लिए लाने का, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें किसी से सुनते हैं और फिर उसके बाद हम उन सारी चीज़ों को किसी को बताना चाहते हैं. वो तमाम मालूमात, चाहे वो घर की किसी चीज़ से रिलेटेड हो, खाने पकाने से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, जब हम कोई अच्छी न्यूज़ सुनते हैं तो बहुत दिल चाहता है कि शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करते हैं. मगर हमारी कोशिश ये है कि जो भी अच्छी न्यूज़ हमें मिल रही है पूरी दुनिया में कहीं से भी, और उसमें ख़ास तौर पे अगर किसी पाकिस्तानी का इन्वॉल्वमेंट है तो आपके साथ शेयर की जाए. तो वो जो न्यूज़ है जनाब वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेकफास्ट शो के ज़रिए. तो द ब्रेकफास्ट शो इसका नाम है, लेकिन आपने इसको देखना है ब्रेकफास्ट करने के बाद, बिकॉज़ अगर आप जल्दी उठते हैं इसमें होगा क्या क्या. सबसे पहले तो हम आपके साथ कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा सा टॉपिक शेयर करेंगे और हम आएंगे इंफरटेनमेंट की तरफ, यानी कि चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तानी ना हो, पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हमारे से रिलेटेड कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए हैं, कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. बिकॉज़ कहती है ना कि नेकी जो है ना वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वो लोग बेशक दरिया में डाल दें, हम नहीं डालेंगे, हम सबको बताएँगे. और जो है ना वो हम सबको इसलिए बताएँगे ताकि हम अच्छी अच्छी बातें सीखें सुने और हम भी वो करें. फिर हमारे पास एक सेगमेंट होगा जिसमें सवाल आता है ना दिमाग में और हर वक्त जो है वो घर में एक आवाज़ आ रही होती है, खाने में क्या है, तो खाने में क्या होगा वो हम आपको बताएंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी बिरयानी या हलीम. सुबह सुबह का शो है, रिफ्रेशिंग आपको जो है वो चीज़ें दिखाएंगे, जल्दी जल्दी झटपट वाले ब्रेकफास्ट बनाएंगे, जैसे वो थोड़ा अंग्रेजी स्टाइल नहीं होता कि 4 चीज़ें ऐड की, वो 6 चीज़ें ऐड की हैं, टडा, इस तरह वाला हम करेंगे. यूजुअली नाश्ता करेंगे मगर आपकी फरमाइश भी हम सुनेंगे, जो आप हमसे कहेंगे हम आपके लिए बनाएंगे. कॉल्स आप हमें कर सकते हैं पूरे शो में. फिर आएगी बारी हमारे एक और सेगमेंट की जिसका नाम है काम की बात. ऐसा नहीं है कि बाकी बातें काम की नहीं है, लेकिन ये वाली ज़्यादा काम की है, इसलिए क्योंकि इस पर हम बात करेंगे किसी ना किसी सोशल टॉपिक पे, कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम कहते हैं कि इस बारे में बात करने की ज़रूरत है. एक अंग्रेज़ी कहावत है कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, यानी कोई भी जब चेंज हम लाना चाहते हैं ना माशरे में, तो वो चेंज आहिस्ता आहिस्ता आता है. पहले आप बातें करती हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप कोई इन डिफरेंट वेज आप कोई प्रोटेस्ट करती हैं यूजुअली, मगर बात करने से, बातचीत करने से, हैविंग अ कॉन्वर्जेशन अबाउट समथिंग आप चेंज ला सकती हैं. तो वो हमारी कोशिश है उस काम की बात में. हम आज फॉर इंस्टेंस आज हम भला क्या बात करेंगे, लेडीज़ फर्स्ट. तो लेडीज़ फर्स्ट के लिए आज हमारा टॉपिक है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं ख्वातीन, और ये जो चैलेंजेस हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप ऐसी वर्किंग वुमन हो जो घर पे काम करती हो, यानी कि होम मेकर हो, ये एक काम है जिसके कोई पैसे नहीं है मगर ये बहुत बड़ा काम है, 24 घंटे का काम है, चाहे आप बच्चों को संभालती हो या चाहे आप घर से बाहर जाकर या फिर वर्क फ्रॉम होम करके कोई पे चेक हासिल करती हो, इस बारे में बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस करती हैं ख्वातीन. इसके साथ साथ सीखेंगे हम रोज़ाना, ये मेरा आपसे वादा है कि कुछ ना कुछ हम रोज़ाना सीखेंगे. ये तो हमने ज़रा काम की बात वाली चीज़ सीख ली, अब कुछ बनाना सीखेंगे, DIYs करेंगे. जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हर कोई शेफ़ बन गया था, हर कोई पेंटर बन गया था, हर कोई आर्टिस्ट बन गया था, और उससे इतनी अच्छी चीज़ें आप अपने आप में जो है वो यू नो यू फाइंड आउट सो मैनी गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ कि क्या क्रिएटिव होने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें होंगी और फिर आखिर में आयशा स्पिक
के नाम से एक सेगमेंट होगा, जिसमें कोई एक चीज़ मैं आपके साथ करूँगी शेयर, वो किताब हो सकती है, वो कोई अच्छा सा पाकिस्तानी गाना हो सकता है, वो कोई आर्टिस्ट हो सकता है, वो कोई इंग्रेडिएंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसके फ़ायदे आपको बताऊंगी और अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी वो अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं। वेल जनाब, तो ये है हमारे शो का फॉर्मेट। कॉल्स आप रोज़ कर सकती हैं, लाइव कॉल्स हमें रोज़ाना। प्लीज़ कोई भी फीडबैक हो, क्या देखना चाहते हैं, क्या रेसिपीज़, क्या कॉन्टेंट, हमें आप ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आप हैं तो एक्चुअली हम हैं। वेल जनाब, अब हम आते हैं ज़रा हमारे इस सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इंफोटेनमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको बताएंगे, कोई बुरी न्यूज़ नहीं बताएंगे, ये मेरा आपसे वादा तो नहीं है, बिकॉज़ अगर कुछ अल्लाह ना करे कुछ ऐसा कुछ हो गया कि हमें शेयर करना पड़ा, ज़रूर करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट सोल्यूशंस एंड नॉट प्रॉब्लम्स। जैसे कि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि फ़्लड विक्टिम्स की बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, ये बात हम सबको पता है कि सैलाब ज़दगान किस तरह से मुतासिर हुए हैं, किस किस तरह से उनके पास घर नहीं रहा, खाने पीने को कुछ नहीं रहा, ना सिर्फ शेल्टर बल्कि इसके अलावा जो है वो कपड़े, एवरीथिंग, दे नीड एवरीथिंग। तो इसी बारे में हमारी एक बहुत फेमस सिंगर हैं, सब जानते हैं, द क्वीन ऑफ सिंगिंग बूहे बारियाँ, जिन्होंने जो लेके आई थी हमारे लिए हदीका कियानी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 200 घर बना रही हैं फ्लड विक्टिम के लिए, और फ्लड विक्टिम्स के लिए जो वो घर बना रही हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है वसीलाए राह। इसके लिए वो डोनेशंस ले रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, एंड उनका कहना ये है, जो कि एक बिल्कुल सही बात भी है, कि कोई भी डोनेशन ना छोटा डोनेशन नहीं होता। कोई भी पैसे अगर आप दे रहे हैं, चाहे आप 100 रुपये दे सकते हैं, चाहे आप 1000 रुपये दे सकते हैं, चाहे आप ज़्यादा, चाहे आप उससे भी कम दे सकते हैं। आप सोचें कि कितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की अपनी, और फिर पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितने हैं। तो जब आप सोचें कि इतने नंबर्स ऑफ पीपल हैं, तो अगर वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दें, तो कितना सारा हम जो है वो काम कर सकती हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 3 विलेजेस हैं, जो कि हदीका कियानी कहती हैं कि उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं वो विलेजेस, और उसमें टेंट लगाए गए हैं, उसमें मेडिसिंस प्रोवाइड की गई हैं, खाना प्रोवाइड किया गया है, एक सेफ स्ट्रक्चर की लेकिन कमी थी, जिसको हम सब कहते हैं घर। हम कहते हैं ना, घर छोटा हो बड़ा हो, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अपना हो या किराए का हो, घर घर होता है। आपके सर पे छत होना आपको जो सिक्योरिटी का एहसास देता है ना, वो कर रही हैं हदीका कियानी, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर। और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप डोनेशन नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, शेयर करें न्यूज़ को, ताकि और लोग डोनेट कर पाएँ। और जनाब, हमारे पास जो है वो ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद वो सवाल जिसका रोज़ाना होम मेकर जवाब दे रही होती हैं या कुक जवाब दे रही होती हैं कि खाने में क्या है, हम आपको बताएंगे राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, मैं हूँ आयशा अब्रार। पहला शो है हमारा, सो पहले शो में कुछ मीठा बनाएंगे हम, खाने में क्या है किस सेगमेंट में। तो मीठा क्या है जनाब, हर घर पे बनता है, नाश्ते का फेमस है फ्रेंच टोस्ट। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पसंद था, जब तक मैंने ख़ास रेस्टोरेंट का एक खूबसूरत फ्रेंच टोस्ट नहीं खाया, लाइक ये क्या चीज़ है। तो आज हम खूबसूरत वाला फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे मिक्स फ्रूट्स के साथ। तो चलते हैं हमारे किचन की जानिब और बनाते हैं कुछ यमी से, बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है फ्रेंच टोस्ट की, लेकिन उसमें हल्का सा एक ट्विस्ट है। अच्छा, ट्विस्ट एक तो ये है जनाब कि आपको पता है कि फ्रेंच टोस्ट किस तरह से बनता है, राइट। सो मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर खाया था फ्रेंच टोस्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने उसमें वनीला एसेंस की बजाय, यूजुअली अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस ऐड करते हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वनीला पॉड का इस्तेमाल किया था। तो ये मेरी एक ज़रा महंगी शरारत है, अगर कोई आपको कोई महंगा तोहफा देना चाहता है और आपको खाना पकाने का शौक़ है, तो आप उनको बोलें कि मुझे आप डायमंड ना दें, डायमंड जितना महंगा नहीं है बट थोड़ा सा महंगा है, आप मुझे जो है वो वनीला के पॉड्स दे दें। ये बेसिकली इस तरह से होते हैं, इसकी बहुत मज़े की खुशबू होती है, और इसको निकालते कैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। सो इसको इस तरह से हम काटेंगे, पहले इस तरह से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा बीच में से काट के आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसमें से ना एक बहुत ही ब्लैक कलर का लिक्विड सा निकलता है, उसको हमें इस्तेमाल करना होता है, पल्प कह लें, लिक्विड कह लें। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये
जो चीज़ निकली है ब्लैक कलर की, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है। तो ये हम अपने मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अगर आपके पास वनीला पाउडर ना हो, अगेन कोई मसले की बात नहीं है, आप इसमें वनीला एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वनीला एसेंस भी कभी ना हो तो एक टिप देती हूँ मैं आपको, बनानाज इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना भी जो है ना वो अंडे की स्मेल को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा क्या कारामद साबित होते हैं। यस, अच्छा यहाँ पे हमने ये इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दिया है। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, या तो आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ, उससे और ज़्यादा मज़े का रिच फ्लेवर आता है। आधा मैं इसमें ऐड करूँगी और आधे की मैं एक मज़े की सॉस बनाऊँगी। जी हमने ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा हम मीठा नहीं रखेंगे क्योंकि हम हर फ्रेंच टोस्ट के ऊपर ना एक मज़े की सॉस बना के ऐड करेंगे। सो इसमें हमने क्या क्या ऐड कर दिया, इसमें हमने अंडे ऐड कर दिए, वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दिया, इसमें हमने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया, डिफरेंट कंपनीज का आता है, व्हाटएवर यू लाइक। अच्छा सा इसको हम करेंगे विस्क, फ्लेम को करेंगे ऑन। और अच्छा आप इसको घी में फ्राई कर सकते हैं, आप इसको मक्खन में फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपको ऑलिव ऑयल पसंद है तो हल्की आंच पे उस पर आप फ्राई कर सकते हैं। अच्छी तरह से विस्क करेंगे दो अंडे एंड सम वनीला एसेंस, और ये जो एक्सट्रैक्ट है ना ये काफ़ी स्टबन है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक्सट्रैक्ट को। और ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बिकॉज होता क्या है कि जितना भी आप इसमें घी या बटर या ऑयल ऐड करेंगे वो सारा जो है ना वो ब्रेड सोक कर लेगी, तो हम नहीं चाहते कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी बने। ब्रेड मेरे पास इंतहाई ताज़ा है, लेकिन अगर आपके पास ताज़ा ब्रेड ना हो तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है, बिकॉज जब आप सूखी ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये कि वो टूटती नहीं है और दूसरा ये कि बहुत अच्छा सोक कर लेती है। और ये एक अच्छा सा हमारा एक टिप है कि हम हमेशा इसको एक रैप लगा के रखते हैं ताकि वो सूखे नहीं। दिस इज़ अ ग्रेट टिप व्हेन यू आर मेकिंग सैंडविचेस आल्सो, कि कभी कभी होता है ब्रेड बहुत सूखी होती है फिर किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता। अच्छा मैं इसको इसके किनारे समेत इस्तेमाल करूँगी, बिकॉज देखें कितनी सॉफ्ट है ब्रेड, बिल्कुल ताज़ी है। अगर ताज़ी ना हो तो आप किनारे निकाल दें, लेकिन इसको होल्ड करने में किनारे बहुत हेल्प करेंगे। और इसमें पता है कौन कौन सी मैं फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न आने वाला है, स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करेंगे, कीवी आजकल बग़ैर आप अपनी किडनी को दाव पे लगाए आप ख़रीद सकते हैं कीवी, यानी कि इतनी ज़्यादा महंगी नहीं रही है। इसके साथ साथ हम इसमें ब्लैक ग्रेप्स का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम ये करेंगे कि डिप करेंगे इसको एग में। बहुत ज़्यादा देर डिप क्यों नहीं रखना, इसलिए नहीं रखना क्योंकि फ्रेश है ब्रेड। देयर यू गो, इस तरह से मैं तकरीबन 3 आई थिंक स्लाइसेस कर लूँगी, स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल, कीवी का इस्तेमाल। अच्छा मेरे पास ना एक जैम भी है, सो हम जो है वो जैम के साथ इसकी एक फिलिंग बनाएंगे वंस वी गेट डन विद ऑल द फ्रेंच टोस्ट। मुझे पर्सनली ज़्यादा ज़रा ब्राउन वाले पसंद है, आप चाहें तो आप इसको कम ब्राउन भी रख सकते हैं। मैं थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ करूँगी, एंड एक्चुअली टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको एक की बजाय दो जगह पर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सेव सम टाइम। यहाँ पे हम एक और कर लेंगे। और कोई भी चीज़ जब आप सर्व करें तो उसका स्टैक अगर बनाएंगे ना, यानी कि उसका एक माउंटेन सा बना लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। ये काम करते हैं हमेशा रेस्टोरेंट ओनर्स। रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाते हैं तो ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शन होती है कि जितना आप खाना अपना माउंट करके रखेंगे उतना ज़्यादा वो खूबसूरत लगेगा। और अब हम ये वाला ब्रेड का ले लेंगे स्लाइस। कुछ भी इसमें कच्चा नहीं है सिवाय अंडे के, और वो आपको पता है बहुत जल्दी पक जाता है। ये वाला हो चुका है इसका ना, मुझे धुएँ बता रहे हैं कि ये हो चुका है। हाथ थोड़े से मैं करूँगी साफ़, और उसके बाद हम इस वाले को पलटेंगे। कोई से भी आप इसमें फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो कार्ब्स आप खा रहे हैं इसके साथ ज़रा फल वल खाएँ, ज़रा हेल्दी इसको बनाएँ। तरह से हाथ साफ करके इसको करेंगे टर्न। अच्छा खासा आई थिंक ये काफ़ी थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा कैरमलाइज्ड हम। अच्छा कभी अगर ऐसा हो जाए कि अब आपने इसको छुपाना है, सो इसको हम नीचे रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी स्टैकिंग स्टार्ट करेंगे। साथ में हम इसको ज़रा देखते हैं, एंड आई थिंक ये दूसरी साइड से अब बिल्कुल हो जाना चाहिए रेडी। सो हम करेंगे ये कि हम प्लेट में स्टैकिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी इसको रखना स्टार्ट कर देंगे। सो ये आ गया हमारा पहला टोस्ट।
इसके बाद आएगी सॉस, फिर कुछ आएंगे फ्रूट्स, इस वाले को करेंगे टर्न। और अगर आप चाहते हैं ना कि इंतहा से ज़्यादा मॉइस्ट बने, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको हल्की आंच पे देर तक पका सकते हैं। एंड देयर यू गो, तो ये हल्की आंच वाला ज़रा हो रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा ऑयल हो चुका है गरम, पैन हमारा धुएँधार हो चुका है। ये जो सिजलिंग ब्राउनी हम खाते हैं ना, आज हम खाएंगे सिजलिंग फ्रेंच टोस्ट। अगेन मक्खन का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल, वट एवर यू वॉन्ट, और ज़्यादा इसको जो है ना वो हैवी मज़े का बनाएगा। यहाँ पर हमारा थर्ड एंड लास्ट हम करेंगे स्लाइस, तो ये भी जल्दी से हो जाएगा बिकॉज पैन बहुत ज़्यादा गर्म है। देयर यू गो, इसको हम रख देंगे साइड पे। अच्छा, अब हम आएंगे ज़रा सॉस की जानिब। इसको भी जो जो चीज़ें मैं फ्री होती जा रही हूँ जिन चीज़ों से, उनको मैं ज़रा पीछे पेस करती जाऊँगी ताकि थोड़ी सी सफाई सुथराई का हम यहाँ ख्याल रख सकें। ये वाला हो चुका है ऑलमोस्ट, इसकी दूसरी साइड मैं आपको दिखाती हूँ। एंड इसका मैं फ्लेम कर दूंगी बंद, अभी इसी पे रहने दूंगी। इसको भी हम करेंगे टर्न। देयर यू गो, इसको करेंगे टर्न। एंड इसका भी फ्लेम कर दूंगी बंद बिकॉज अब इसको जितनी गर्माइश चाहिए इसमें ये परफेक्ट सा हो जाएगा। अब हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी सॉस, और वो मज़ेदार सी सॉस बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी पाउडर्ड मिल्क का। ये पाउडर मिल्क है जो कि आपको हर घर में ऑलमोस्ट रखा होता है, चीनी वाला लेना चाहें चीनी वाला लेने, नॉर्मल वाला लेना चाहें नॉर्मल वाला लेने। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क, बहुत ही थोड़ा सा, गाढ़ा रखना है इसको, यानी कि 3 चम्मच मैंने ऐड किए। और मुझे लग रहा है कि अभी इसमें हम कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क, पाउडर्ड मिल्क एंड लिक्विड मिल्क, कोई 3 लेचेस किस्म का जो है ना, वो जो ट्रेस लेचेस होता है वैसा वाला हो रहा है ये फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि इसको आप काफ़ी गाढ़ा सा रखें वरना ये स्टे नहीं करेगा। अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे एंड फॉर अ ट्विस्ट हम इसमें ऐड करेंगे जैम। हर घर में हर वक्त जैम मौजूद होता है। ये मेरे पास जो है ना ये कीवी वाला है, आप इसमें स्ट्रॉबेरी जैम ऐड कर सकते हैं, कोई से भी कलर का जैम ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा और करेंगे, और मेरा फेवरेट पार्ट बाय द वे भी आने वाला है विच इज़ स्टैकिंग इट विद अ लॉट ऑफ फ्रूट्स। फलों में आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी चाहे ऐड करें, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि खट्टा फ्रूट आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, ऑरेंजेस भी ऐड कर सकते हैं, क्रेप सुजेट के नाम से एक बड़ी फेमस चीज़ होती है। सो वो थोड़े से मैं इसमें जैम के पीसेस रख रही हूँ, और अब टाइम आया है स्टैकिंग का। सो ये हम मज़ेदार सी थिक थिक सी सॉस ऐड करेंगे। इससे ना ये बोरिंग बोरिंग से और ड्राई ड्राई से नहीं लगेंगे। ये पहला आ गया, पहली आ गई लेयर, दूसरी आएगी। अच्छा, अब एक टिप है, थोड़ा सा टेढ़ा आपने रखना है दूसरी को। ये टिप है कि ज़रा दिखे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इसमें हम फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम ऐड करेंगे हमारी थर्ड एंड द लास्ट लेयर, सिंस हमारे पास टाइम की कमी है, वरना आप लेयर्स पे लेयर्स कर सकते हैं। सो यहाँ पे बिल्कुल रैंडमली एज इट इज़ मैं ऐड कर दूंगी हमारी ये सॉस, और अब होगा एक खूबसूरत काम। खूबसूरत काम ये है जनाब कि हम एप्पल्स को काटेंगे बिल्कुल बड़े बड़े से पीसेस। सो एप्पल की जो रेड साइड है आई वॉन्ट कि इसको मैं छुपाऊँ, सो इससे हम इस तरह प्लेस कर देंगे एप्पल्स, एंड देन वील स्टार्ट विथ सम स्ट्रॉबेरीज। ये वाली ज़रा इम्पोर्टेड हैं, थोड़ी ही दिनों में स्ट्रॉबेरीज का सीज़न आने वाला है, तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दैट। इस तरह से पूरा मैं इसको कवर करूँगी विथ स्ट्रॉबेरीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल रेड रेड हो रहा है, तो इसमें हमें खूबसूरत किस्म की कलर ब्रेकिंग देंगे विथ सम ग्रीन, और वो है क्या, वो है कीवी। थोड़े से स्ट्रॉबेरीज हम इस तरह से रखेंगे, कीवीज ऐड करेंगे,
तरह से सेमी सर्कल स्लाइसेस मैं कीवी के काट लूँगी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर दुबई से लाया करते थे कीवी, और हम उसको बहुत संभाल संभाल के खाया करते थे, इतनी महंगी होती थी वो और यहाँ पे इतनी आसानी से मिलती भी नहीं थी। अब एक तो ये कि हर ऑलमोस्ट आपको बड़े मार्केट में मिल जाती है और इतनी महंगी भी नहीं मिलती। तो अगर आपको ख़ास किस्म का डिज़र्ट बना रहे हैं तो बेशक बहुत सारी ना लें, एक लें ऊपर लगाएँ और अंदर जो है ना वो ज़रा बनाना एप्पल जैसे थोड़े कम प्राइस वाले फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल रैंडमली हम ये ऐड करेंगे। कलर ब्रेकिंग इज़ द की। जितना ज़्यादा कलर्स आप ऐड कर सकते हैं और जितना कंट्रास्टिंग वो कलर्स होंगे ना उतना खूबसूरत लगेगा। जैसे कि अभी आप इसको ज़रा गौर से देखें और अब देखिएगा व्हेन आई ऐड ऑल द डिफरेंट कलर्स। ये ग्रेप्स हमने ऐड किए। ब्लूबेरी से सेम आप लुक ला सकती हैं मगर ब्लूबेरीज बहुत महंगी होती हैं, तो हम करेंगे ज़रा बजट का ख्याल भी यहाँ पे। अच्छा, और ये स्ट्रॉबेरी का मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक ज़रा मज़े का काम करूँ स्ट्रॉबेरी से। एंड दिस इज़ सो हेल्दी, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ख़ास तौर पे तब जब स्ट्रॉबेरीज का सीज़न आए या जब कीवीज़ आपको अच्छे प्राइस में मिलें। आई ऑलवेज़ बिलीव कि जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं ना, एक तो ये कि वो आपको कम प्राइस में भी मिलते हैं और दूसरा ये कि वो हेल्दी होते हैं, फ्रेश होते हैं, उसी वक्त जो है वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आप उसका कर सकते हैं इस्तेमाल। ऑलवेज़ यूज़ अ प्लेन प्लेट। जितनी भी आपके घर में फूलों वाली प्लेट्स हैं ना उसमें आप दाल सर्व कर सकते हैं, बट जो आपके पास प्लेन प्लेट्स हैं ना उसमें आप ज़रा इस तरह की खूबसूरत चीज़ें सर्व कर सकते हैं। और हमारे पास टाइम है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले मुझे ज़रा ये दिल चाह रहा है कि मैं इसमें कुछ ये ऐड करूं। वेनिला पॉड हमने इसमें लगा दिया है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम करेंगे काम की बात। काम की बात में जिस वक्त मैं कर रही हूँ खाने हम बनाते हैं, ख्वातीन क्या कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं करती, क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, चाहे वो घर पे काम करें चाहे वो घर से बाहर जाके काम करें, हम आपको बताएंगे। तब तक हम जा रहे हैं ब्रेक पे और आप ये देखते देखते ब्रेक पे जाएं ताकि वापस आते हुए आपका मूड बड़ा अच्छा हो और आप सुने हमारी काम की बात राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट्स हैं, खाने में क्या है आपने देख लिया, हमने आपके साथ न्यूज़ शेयर की और अब टाइम है काम की बात करने का। काम की बात आज की हमारी ये है कि ख्वातीन हर फील्ड में अमेजिंग हैं, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, मगर क्या उनको वो रिकग्निशन हासिल है जो होनी चाहिए, चाहे हम बात करें घर पे काम करने की या हम बात करें घर से बाहर जाके काम करने की। एक ज़माना था हम कहते थे हाउस वाइफ, मेरे हिसाब से और आजकल के ज़माने के हिसाब से एक बिल्कुल अच्छी टर्म नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आप जो है वो इस वक्त की शो देख रही हैं और आपको कोई पे चेक नहीं मिलता, आप हाउस वाइफ नहीं हैं। उसकी मैं रीज़न आपको बताती हूँ। होम मेकर हैं आप, आपका काम है 24 घंटे का, आपकी संडे की छुट्टी नहीं है, आपकी कोई वेकेशन नहीं है, आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, रिकग्निशन कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। सुबह से लेकर रात तक घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किचन में क्या हो रहा है, लॉन्ड्री हो रही है नहीं हो रही है, यानी अगर आप वो काम खुद कर रही हैं तो भी, और अगर आप वो काम किसी से करवा रही हैं उसको मैनेज कर रही हैं तो भी वो एक काम है। सो यू आर अ होम मेकर। आज हमारे साथ होम मेकर भी मौजूद हैं, आज हमारे साथ एंटरप्रेन्योर भी मौजूद हैं और दोनों से मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ और हम देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो ख्वातीन फेस करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन बरकत, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ओनली वेमेन लेड हनी ब्रांड, यानी कि शहद जो है वो ये बनाती हैं, इनके ब्रांड का नाम है अस्कुर। वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आशा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नौशीन, मुझे ये बताइएगा कितने टाइम से आप कर रही हैं ये काम? आशा, इट्स बीन 3 ईयर्स जब हम लोगों ने प्रॉपर स्टार्ट किया है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया देन दिस कोरोना हिट, तो हम उसको अगर एक साल बोल के उसको मैं कहूँ मैं डबल कर दूँ तो अगर हम 4 साल बोल दूँ तो बिल्कुल गलत नहीं। 4 साल से यू हैव बीन वर्किंग
और इसके साथ साथ हमारे साथ होम मेकर मौजूद है जिनकी 24 घंटे की नौकरी है, घर देखना, हर चीज़ देखना, हमारे तो जो हस्बैंड होते हैं उनको भी काफ़ी जो है ना वो देखना पड़ता है। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब सुंदस अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू आयशा? आई एम गुड सुंदस, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। अच्छा सुंदस, थोड़ा सा मुझे सर अपनी फैमिली डायनामिक का पहले बताइएगा ताकि मुझे समझ में आए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, सो बेसिकली माई सास इज़ अ वर्किंग वुमन, ओके, एंड माई सिस्टर इन लॉ इज़ अ वर्किंग पर्सन, एंड माई यंगेस्ट सिस्टर इन लॉ स्टडीज, सो इट्स जस्ट मी एट होम with my father-in-law, and he has had a bypass wagara, so wo usually he's sick and you know he's on the bed mostly. Okay. So subah se utke kuch like I have to be you know vigilant even though the maids come after my mother-in-law comes back, but cooking I prefer cooking before she comes taaki shaam mein you know free ho. I don't like being the person ke mian ghar aa raha hai aur kitchen mein pasina pasina biwi hai. So I make sure that I'm done with cooking before everyone comes, ताकि वो सबका resting time हो, तो kitchen की खटपट ना हो, and then you know weekly laundry, मियाँ की laundry, usually my husband comes late, तो उनके कपड़े पहले iron कर देना ताकि you know आए तो उनके साथ time मिल सके मुझे, you know कपड़े iron करना, भाई खाना बनाना fast time पे बनाना, and I'm sure family भी जब join करती है तो आप ख्याल रखती हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी नौशीन के, थोड़ा सा बताएं जैसे उन्होंने अपना schedule थोड़ा सा share किया, आपका क्या schedule है? When you are a working woman आयशा, तो आपके responsibilities like no doubt जो home maker होती हैं उनको बहुत सारी चीज़ें देखने हैं, that's you know 24/7 job. और जब आप working woman और घर देख रहे होते हैं तो responsibilities जो है ना वो आपकी double हो जाती है. आपको घर भी देखना है, आपको अपने आप को भी देखना है, आपको अपना काम भी देखना है, तो आपको हर चीज़ में जो है ना आपको perfect होना होता है. अगर perfect ना सही, at least you like आप कोशिश करते हो कि आपका काम जो है ना, आपका काम भी सफ़र ना हो, आपके बच्चे भी सफ़र ना हो. सिंस यू सेड लाइक हमारी जो सोसाइटी है ना आयशा, उसमें आपको ये होता है कि यार काम क्यों करना है, बच्चे संभाल लो. लाइक अगर हस्बैंड अच्छा कमा रहा है तो आपको करने की क्या ज़रूरत है. बट अल्हम्दुलिल्लाह ये माइंडसेट काफ़ी चेंज हो रहा है, अब घर वाले भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं काम करने में. लेकिन जब आपको काम करना है ना, सिंस आई एम एन होम बेस्ड, ठीक है, तो मैं घर में रहते हुए मुझे ये हर चीज़ पे नज़र रखनी होती है. अच्छा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनका लंच रेडी करना है, जब वो आ रहे हैं तो उनका स्कूल के लिए लंच अलग रेडी करना है, स्कूल से आ रहे हैं तो लंच अलग से रेडी करना है, जब घर मतलब हस्बैंड जब घर से ऑफिस से आ रहे हैं उनके लिए खाना बनाना है, और वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो वो हर चीज़ देखनी है. और ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाती हैं आपकी. बिल्कुल, मुझे लगता है ये और भी मुश्किल है. वर्क फ्रॉम होम एक औरत के लिए बहुत मुश्किल इसलिए भी है कि एक काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी, उन्होंने एक बार शेयर किया कि मेरी एक बुक की लॉन्च थी और मैं बुक की लॉन्च के लिए जा रही थी, तो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था और जो साहब हैं वो बड़े फेमस एक्टर हैं, तो वो बैठे हुए थे आराम से जो है ना टी वी के सामने, आज उनकी छुट्टी थी, तो जो कुक है वो आया और उसने जो है वो इन्हीं खातून से पूछा आज खाने में क्या बना, उन्होंने कहा ये भी उनसे पूछ रहा है जब मेरा काम का दिन है. सो ये तो हम मानते हैं कि ये चॉइस है, आप काम करना चाहते हैं घर से बाहर जाके या नहीं, राइट? बट फॉर पीपल हु आर होम मेकर्स, तो सुंदर साहब से जानना चाहूँगी कि एज अ होम मेकर जब आप घर पे होती हैं, फॉर इंस्टेंस फैमिली साथ में है और आपको आपका टाइम रिक्वायर्ड है, कोई वीडियो देखना है, कोई किताब पढ़नी है, कितनी आसानी से ये कर पाते हैं आप? सी सिंस इज नो वन एट होम मोस्टली, तो आई व्हेन आई एम डन विद कुकिंग एंड आई एम डन व्हेन एवरीवन टेक्स अ नैप, आई यूजुअली डोंट नैप, तो व्हाई आई यूटिलाइज दैट टाइम टू यू नो कैच अप ऑन अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, कैच अप ऑन बुक्स, बट वो एक बहुत लिमिटेड टाइम होता है, एंड आई समवॉट समटाइम्स वर्क फ्रीलांस एज वेल, सो आई हैव टू मैनेज दैट एज वेल. सो आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट नौशीन मीन्स बाय यू नो कितना मुश्किल होता है, टोटली अंडरस्टैंड, यू नो आप तो बिजनेस चला रही हैं तो कभी कभार फ्रीलांस भी करना इट टेक्स अ टोल, बिल्कुल, ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ एज वेल, यू नो कि आप अपना घर देख रहे हो एंड साथ साथ यू नो यू आर डूइंग योर वर्क एज वेल. सो या बट इट्स मैनेजेबल, इट्स नॉट समथिंग दैट आई वोंट से कि ओ मैनेज करना बहुत मुश्किल है. ये जो नेगेटिव सिनेरियो बनाया हुआ है हमारी सोसाइटी ने कि यू नो स्टीरियोटाइप है कि यू नो वो हाउस वाइफ तो बेचारी होती है, यू नो उसकी तो कोई लाइफ नहीं होती एंड यू नो आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो, नहीं ऐसा नहीं है. मतलब इट्स अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स एंड हाउ यू टेक थिंग्स विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. एंड सुंदर मैं आपकी बात को और वैलिडेट करना चाहूँगी कि अगर आप एक काम शौक से करें ना, चाहे वो एक घर बनाना हो, चाहे वो बच्चों की परवरिश हो, कोई भी काम हो, वो दिख जाता है देखने वाले को कि ये बहुत शौक से किया गया काम है, और हर कोई घर नहीं बना सकता, हर कोई घर का ध्यान नहीं रख सकता. एंड आयशा आई जस्ट यू नो कंटिन्यू विद योर दिस वर्ड कि अगर कोई भी कोई काम आप शौक से कर रहे होते हो ना तो ऑब्वियसली वो दिख जाता है. लेकिन हमारी जो सोसाइटी
होती है ना, अनफॉर्चुनेटली वो दिखने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आप एक तो आप घर से काम कर रहे हो, दूसरा आप खवातीन काम कर रहे हैं, राइट, और आपके पास और भी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं तो वो काम दिखाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आपको शौक होता है कुछ करने का, लगन होती है ना, व्हेन यू हैव यू नो एक स्पार्क होती है आपके इनसाइड, नहीं यार कुछ तो करना है, लाइक आप क्यों, आपने एग्जैक्टली आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है जिसको आपने प्रूव करना है। यू आर नॉट जस्ट अ मदर, यू आर नॉट जस्ट अ वाइफ, यू आर नॉट जस्ट सिस्टर, जो हमेशा कह रहे होते हैं ना औरत माँ है, बहन है, नो डाउट, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी भी तो है और आपको उस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। और लाइक लकली हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी इतनी स्ट्रॉन्ग खवातीन है, नो हो वी कैन लुक अप टू एज एन इंस्पिरेशन, जो बहुत सारी अच्छी तरह काम संभाल रही होती है। एंड फॉर दिस वी हैव टू प्लान। हम बहुत दफ़ा लाइफ में या अपनी यू नो डेली रूटीन में जब हम चीज़ें प्लान नहीं कर रहे होते ना आशा, तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं। सो हमें अपनी चीज़ें प्लान आउट करनी होती हैं कि अच्छा यहाँ ये है, यहाँ ये, तो हमें थोड़ा ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, अपने कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा निकलना पड़ता है। जब अपने कम्फर्ट जोन से निकलते हो ना, तो तब आप कुछ बन के निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जैसे आप कह रही हैं कि प्लान करना होता है, तो सुदर्श मैं अक्सर ये देखती हूँ, अब तो खैर वो इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है देखे पीपल हु आर होम मेकर्स, उन्होंने एक अपनी लिस्ट बनाई होती है, फॉर इंस्टेंस लॉन्ड्री करनी है, बच्चों के लिए करना है, हस्बैंड के लिए करना है, पूरी लिस्ट बना के वो चेकलिस्ट करती है। मैं कहती हूँ कितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कर रही है। हमारे यहाँ कुछ बट हजरात करते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी हम देखते हैं थोड़ा ज़रा केयरलेस होते हैं, आराम से गए आराम से आए। दिस इज वेरी गुड। अच्छा, आई एम नॉट ऑर्गेनाइज लाइक दिस, आई गो अकॉर्डिंग टू माई माइंड, मूड एंड माइंड, बिकॉज आई फील इफ आई फोर्स माई सेल्फ टू डू समथिंग, फिर अगर लॉन्ड्री करने का मूड नहीं है तो वो फिर इट विल रिफ्लेक्ट इन माई मूड अराउंड द पीपल आई एम विद, तो वो फिर यू नो आई हैव टू लाइक मैनेज अकॉर्डिंग टू माई मूड। लाइक आई फाइंड कुकिंग वेरी थेरेप्यूटिक, आई लव कुकिंग, बट आई नेवर थॉट आई वुड लव कुकिंग एज मच एज आई डू नाउ, तो वो मज़ा आता है यू नो। अच्छा ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है, यू नो फूड फ्यूजन जिंदाबाद या मसाला के यू नो रेसिपीज लेके ये ट्राई कर ले वो ट्राई कर ले, पर इट डिपेंड्स ऑन द मूड। सही है, आप चेकलिस्ट करते हो वो भी एक चोर लगने लगता है, इट बिकम्स यू नो वेरी एन अनरिकग्नाइज चोर, यू नो आई डू नॉट लाइक बींग फील फेल्ट लाइक कि बर्डन है मेरे ऊपर। आई लाइक थिंक थिंग्स ईजी कि ठीक है अपने टाइम से करना है सब करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई चीज़ नहीं करनी है, बट अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड मेंटल स्पेस, बिकॉज वंस यू मेक अ लिस्ट, आई डोंट नो पीपल डू इट एंड आई सीन इट एंड आई थिंक दे डूइंग एक्सलेंटली, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है वो बहुत बर्डन वाली फीलिंग आती है, यू आर यू नो प्रोवाइडिंग योर सेल्फ विद अननेसेसरी बर्डन। एंड जो इन्होंने बात की वैलिडेशन की, मुझे अब ये लगता है हमें क्यों ज़रूरत है वैलिडेशन की। सही है, मतलब हम होम मेकर्स हैं, हमें रिकग्निशन मिलती है, नहीं भी मिलती तो इट्स ओके, बट मुझे लगता है कंटेंटमेंट आपको, जैसे आपको मिलती है कंटेंटमेंट डूइंग योर ओन वर्क, डूइंग योर ओन आइडेंटिटी, यू नो मेकिंग श्योर दैट यू योर सेल्फ, तो मुझे लगता है बीइंग अ होम मेकर दैट्स माई कंटेंटमेंट, दैट्स माई सेफ स्पेस फीलिंग कि अच्छा ठीक है यू नो कोई वो रिग्रेट्स नहीं है जो अब नेगेटिव सोसाइटी ने बनाया हुआ है कि वो यू नो स्टक वाली चीज़, तो आई फील कि वो नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग सुंदर, लेकिन आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल है आपकी फैमिली का भी। आई वुड वांट टू आस्क यू कि फॉर इंस्टेंस आप इमेजिन करें, आई एम सपोजिंग कि आपकी फैमिली बहुत इंकरेजिंग है, सपोर्ट करती है, राइट, आप खाना बनाए, कोई बोले कि हाँ नमक ज़्यादा है, मिर्ची कम है, ये कैसा खाना है, कोई अप्रिशिएट ना करे, कोई हर चीज़ में जो है वो तो ये आप तब कह रही हैं जब आपकी फैमिली की सपोर्ट आपको है। और ये जुमला बहुत, अब घर में क्या करती है, सारा दिन तो घर में फारिग होती है। एग्जैक्टली, यू नो दिस इज लाइक एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको हर घर में मिल रहा होगा, यार और क्या काम है तुम्हारा, मतलब मेड आ रही है, अगर किसी के घर में मेड आ रही है तो वो भी एक ताना हो जाता है, कर तो रही है सब कुछ, आप क्या कर रही है। बिल्कुल, हालांकि आप यू नो यू आर ऑन योर टोज लाइक 24 आवर्स बीइंग एन हाउस वाइफ, बट स्टिल अगर आपको एंड में ये जुमला मिल जाए यार आप करती क्या है। बिल्कुल, और ये मेड के साथ आपको यू नो यू हैव टू स्टैंड ऑन योर हेड कि बाथरूम की दीवारें नहीं धुली, ये नहीं हुआ, तो यू कांट जस्ट लीव इट अनअटेंडेड, क्योंकि आपको पता है आजकल का ज़माना नहीं है कि आप किसी को भी यू नो अनइंटरेस्टेड छोड़ दें, सो यू हैव टू बी ऑन लाइक आई हैव व्हेन माय मेड कम्स आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम सिटिंग, पंखा बंद है, गर्मी है, बट यू नो आई मेक श्योर कि वो सही से भाई नहीं बोलो तो वो फिर डंडी मारी जाती है, बाथरूम का बोलना पता है
literally being on my toes, you know. अच्छा मुझे जब हमको इस तरह की justifications देनी होती है ना, तो मैं एक बात करती हूँ कि जब आप कोई for instance नौकरी करते हैं, पहले आप वो काम let's talk about content writing, पहले आप वो काम खुद करते हैं, फिर जैसे जैसे आपकी तरक्की होती है आप थोड़े से और बड़ी पोस्ट पे आते हैं, फिर आपको और employees दिए जाते हैं काम करने के लिए और आप उनको supervise करते हैं, तो किसी को मैनेज करना और सुपरवाइज करना एक और ज्यादा मैंने कहा क्या आसान है क्या मुश्किल है, मगर उसके डिफरेंट चैलेंजेस हैं, राइट? हमारे पास ब्रेक का टाइम है. अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हुआ है, हम कहीं नहीं जा रहे, ब्रेक के बाद मिलेंगे. हमारे साथ होम मेकर भी हैं, हमारे साथ जो हैं वो इस वक्त एक एंटरप्रेन्योर भी मौजूद हैं. क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं ख़वातीन और एज अ माशरा, एज दिस सोसाइटी, हम किस तरह से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. ऑल राइट, आ चुके हैं वापस हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और हम बेसिकली बात कर रहे हैं जनाब होम मेकर से, हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर से, ख़वातीन को कितने ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ वर्क. अच्छा, नौशीन का एक ब्रांड है, हनी जो है ये बनाती है और इट्स अ विमेन लेड ब्रांड, यानी हर चीज़ में ख़वातीन शुरू लाइक फ्रॉम स्क्रैच ख़वातीन ही का सारा काम है. तो नौशीन मैं चाहूँगी ज़रा ये भी बताएं क्योंकि आप मैनेज करती हैं और सारी ख़वातीन हैं, ये किस तरह से प्रोसेस होता है, हंजा से आता है हनी? जी आयशा, मेरा ताल्लुक जैसे हंजा से है, सो माई फैमिली लिव्स इन हंजा, आई लिव इन कराची. ओके, तो जो सारा शहद का जो सारा भी सिस्टम है वो मेरी मदर देख रही होती है, शी इज़ द लीडर ऑफ द वुमेन बी कीपर्स टीम बैक इन हंजा. सो वो सारा यू नो वो सारा कुछ देख रही होती है, फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ बीज, फ्रॉम हनी एक्सट्रैक्शन, फ्रॉम ट्रैवलिंग, क्योंकि इसमें जो है ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है. आप हनी बीज के जो फार्म है हम उसको मूव कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द फ्लावर, सो एवरीथिंग इज डन बाई वुमेन. वो खुद यू नो बॉक्स उठा के रख रही होती हैं, बॉक्स उतार रही होती हैं, उनको मूव करा रही होती हैं, सो एवरीथिंग इज डन बाई वुमेन. और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया था. जब स्टार्ट किया था बेसिकली इट वॉज जस्ट फॉर द फैमिली, कि हम फैमिली को पसंद है, सबको पसंद है, तो वी स्टार्टेड इन दिस वे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ एट अ स्टेज. Yesterday we got an award by Daraz, the best emerging seller. और Askur is alhamdulillah blooming. और you know क्या है आयशा, कि लोग जो है ना अब ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहे हैं, लोग हेल्दी डाइट की तरफ वापस आ रहे हैं, और आर्टिफिशियल चीज़ें कर कर के जो उनका लाइफ स्टाइल यू नो अब चेंज हो रहा है लोगों का, सो नाउ पीपल उनको चाहिए होता है कुछ नेचुरल चीज़, कुछ प्योर चीज़. और अगर हम फिर शहद की बात करें उस एरिया की जहाँ यू नो ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है, जहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तो वहाँ का जो हनी होगा इट टेस्ट डिफरेंटली, इट टेस्ट प्योर. सो अब जब लोग वंस वो टेस्ट करते हैं तो वो बार 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 मांगते हैं. जब उनको पता ये लगता है कि जब इट्स यू नो इट्स लेड बाई वुमेन, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं. एंड ये बिजनेस और एक यू नो इट्स अ डिफरेंट कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल हंजा, और दूसरा कराची का कॉर्नर, तो हम इस इन दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हो. ये आसान नहीं है बिकॉज लॉजिस्टिक्स देखना, टेम्परेचर जैसे कि आपने कहा है, एंड टू सुपरवाइज एवरीथिंग. अच्छा, हम आपसे चैलेंजेस पे भी आएंगे, कभी अगर ऐसा हुआ हो कि आप कुछ लॉजिस्टिक्स उसकी प्लान करी हो कि भाई अभी यहाँ से चीज़ आने वाली है और घर में कुछ हो जाए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, सिंस हमारा टॉपिक ही ये है कि चैलेंजेस और वो सारी चीज़ें वैलिडेट करना कि क्या क्या ख़वातीन मल्टी टास्किंग करी होती हैं, उसके बारे में आपसे पूछेंगे. सुंदर से मैं पूछना चाहूँगी कि सुंदर कभी सिंस आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, राइट? यस. किस किस तरह से वो आपको सपोर्ट शो करती है जो आपको मदद करता है इस काम को और ज़्यादा दिल से करने में? See, I think my mother-in-law is my biggest inspiration. She's a working woman. Even though I grew up in a family, like my mom was a homemaker, I saw her. So, ek dimag mein tha ki theek hai, banna yahi hai, you know. Behno ko bhi yahi dekha, apna bhi yahi dekha. But when I see my mother-in-law working and then she comes home and she used to cook, so that really inspired me and I wanted to help her out. Because I was seeing that how hard she works, mashallah, mashallah. And unki inspiration leke just to help her out. So, I think I started off with this. I started off as, you know, a helping hand. Aista, you know, I took over the responsibilities. Even though abhi bhi wo thoda bahut khud karti hai, but I like doing it out of respect and seeing that unko bhi ek support ki zarurat hai. Jis tarah inhone kaha ki back support ki zarurat hoti hai, to mujhe lagta hai ki unko ek support provide karna as a being a woman to a woman
is very important. Absolutely. This is wonderful. This is brilliant. अच्छा ये बताएं सुंदर और ये मेरा आपसे भी सवाल होगा आपके पहले वाले सवाल के बाद कि छुट्टी मिलती है आपको कोई? आपको तो I'm sure मिलती होगी. आपकी. So in my mother's place हमारे यहाँ rule था कि weekends पे खाना नहीं पकेगा. यहाँ weekends पे बनता है क्योंकि you know husbands घर पे होते हैं. But मैं थोड़ा सा इसको you know lenient हो जाती हूँ Sundays को आई रूम को. Very good. जो होता है कि संडे इज माई स्लीपिंग डे बिकॉज माई हस्बैंड स्लीप्स लेट तो वो हम लोग रात में मूवी देखते हैं तो वो मुझे टेंशन नहीं होती कि उस सुबह उठ के मुझे ये करना है तो वो बहुत रेयरली होता है कि संडे को मैं खाना पकाऊँ एंड यूजली वीकेंड्स पे हस्बैंड एंड आई डू गो आउट या कुछ भी काम होता है इन लॉज में जाना है कुछ है तो मुझे होता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना एंड ये चीज़ भी रिस्पेक्ट की जा रही है ये भी बहुत ज़रूरी है ये नहीं है कि ओ वीकेंड में तुम्हारा मियाँ घर पे तुम खाना क्यों नहीं पका रही बिल्कुल अच्छे खाने क्यों नहीं बना रही यू नो तुम बिरयानी क्यों नहीं बना के खिला रही सो यू नो तो वो भी चीज़ रिस्पेक्ट की जा रही है कि नहीं आई नीड द टाइम विद माई हस्बैंड एवरीबॉडी नीड्स इवन दो यू नो इज एट वर्क ऑल वीक आपको उतना टाइम नहीं मिलता जो वीकेंड पर रिलैक्सिंग टाइम मिलता है सुबह का नाश्ते में साथ बैठना या रात में खाने में मियाँ के साथ बैठना इज नॉट एग्जैक्टली क्वालिटी टाइम बिकॉज ही इज ऑल्सो टायर्ड ही कम्स फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल डे कराची की ट्रैफिक एंड ऑल दैट तो वीकेंड इज आवर लीजर टाइम वी चिल वी वॉच नेटफ्लिक्स वी वॉच मूवीज वी इवन समटाइम्स जस्ट लिसन टू सॉन्ग्स तो वो वीकेंड पे मेरा होता है मेरा ऐप बन गया यहाँ पे आके कि मैंने वीकेंड में नहीं बनाना है I love this idea. अच्छा ये मेरी अम्मी की तरफ से मैंने देखा है एंड माय मदर यूज्ड टू लिव इन सऊदी अरब तो वहाँ पे भी ये था कि यू नो नहीं वीकेंड पे नहीं क्योंकि अब्बू को भी होता था कि तुम क्यों किचन में लगी हुई हो सो ये चीज़ आई थी मेरी अम्मी से आई है तो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है मेरी बड़ी बहन ने भी इम्प्लीमेंट अच्छा ये बहुत अच्छी आई एम टेकिंग दिस रूल अवे है ना मैं इसको लेके जा रही हूँ अपने घर बिल्कुल बिकॉज़ आई डोंट गेट एन ऑफ आई मीन आई डोंट गेट एन ऑफ इट डजंट मीन दैट मैं सारा टाइम काम काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव और माई मदर इन लॉ इज अ जेम ऑफ अ पर्सन मतलब होता ना एक एविल सा कैरेक्टर हमें हमारे सोसाइटी में शो किया हुआ है कि सास ऐसी नो यार आई नो आई एम नॉट इनवैलिडेटिंग ऑल द अदर वुमेन हु हैव सच काइंड ऑफ अ कैरेक्टर इन देयर होम लेकिन ये है कि इट गोज बोथ वेज आई बिलीव इट गोज बोथ वेज तो माई फैमिली इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सपोर्टिव बट मैं भी ये वाली स्ट्रैटेजी कभी ये वाली स्ट्रैटेजी तो आप लोग भी कीजिएगा कि संडे को ऑफ करें सीरियसली अच्छा नौशीन मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आप यही मैनेज कर रही हो अपने काम को और घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो वेयर यू रियली हैव टू चूज कि अपना काम अभी सैक्रिफाइस करना है और ये काम करना है इस तरह का कोई सिनेरियो आई विल शेयर एन एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट एवर एग्जीबिशन था एंड इट वाज वेरी ह्यूज इवेंट और माय सन वाज हॉस्पिटलाइज्ड अच्छा अब ये था कि या तो मुझे हॉस्पिटल में रुकना है ऑब्वियसली माय फैमिली इज़ माय प्रायोरिटी या तो मुझे उधर जाना है मेरा दिल दोनों तरफ था कि नौशीन कुछ करना है अब हियर कम्स दैट मल्टीटास्किंग जो एक खातून का जो स्किल होता है ना किस तरह करना है और हियर कम्स माय फैमिली बॉन्डिंग मैंने अपनी सास को बोला मैंने कहा अम्मी आप ना थोड़ी देर के लिए आप हॉस्पिटल रुकें क्योंकि मैं रात में उनके साथ हॉस्पिटल रुक चुकी थी मैंने कहा आप थोड़ी देर रुकें मैं यूँ गई और मैं यू नो यूँ आई तो somehow ये फिर वही बात आ जाए आपकी फैमिली सपोर्ट अच्छा फिर वो रुकी हॉस्पिटल आई वेंट टू द एग्जीबिशन और मुझे कोई 4-5-6 घंटे लगे आई केम बैक डायरेक्टली यू नो इतना आपको जब एग्जीबिशन में होते हो तो आप सारा टाइम खड़े रहते हो ठीक है यू आर सो टायर्ड बट मुझे क्या करना था क्योंकि मुझे वापस मेरी वो ड्यूटी भी करनी थी तो मैं आई मैंने कोई रेस्ट नहीं किया आई केम डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल और फिर वो पूरी रात फिर उनके साथ गुजारी तो दिस इज़ सम यू नो समहाउ कि जब आपने एक चीज़ ऑप्ट की है अपनी मर्जी से सो वहाँ पे फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये करूँगी तो फैमिली को निगलेक्ट करूँगी या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ऐसे नहीं जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको फैमिली को भी देखना है परफेक्टली उनके काम हो रहे हो कहीं ऐसा नहीं कि आपकी वजह से सिंस यू नो मुझे ये फील होता है कि घर में जो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आशा वो बहुत ज़्यादा होती है हर तरीके से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है बहुत सारी चीज़ें और तो हमें उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम मल्टीटास्किंग सीख रहे होते हैं कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप हो रही होती है कि हाँ हमें ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रही हैं और नौशीन और सुंदर मैं ये भी चाहूँगी कि हम इस बारे में बात करें कि ये जो मल्टीटास्किंग है ये थोड़ा सा
थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है. अगर आप अपना ख्याल रख पा रहे हैं इस प्रोसेस के दरमियान, ब्रिलियंट. सो आई थिंक हमारा टाइम हो चुका है ब्रेक पे जाने का. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का. और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे साथ दो ऐसी ख्वातीन मौजूद हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट उनके साथ हैं. वो प्रिविलेज माना के हैं. अगर आप प्रिविलेज हैं, ऑसम, आप भी संडे की छुट्टी लें. अगर आप नहीं हैं तो अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करें कि जब हम कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा एक हमने बहुत एक बना दिया है कि उफ औरत को आराम नहीं करना चाहिए, हर वक्त काम करना चाहिए. अपने लिए टाइम निकालें, एक दिन हो, दो घंटे हो, आधा घंटा हो, जो चीज़ आपको पसंद है, कोई हॉबी, कोई ऐसी चीज़. जब आप अपने आप को खुश रखेंगी तो आप एक उसके बाद जो आपके रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, माँ, बहन, बेटी, वो तमाम अच्छे से बखूबी आप निभा सकते हैं. ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आने के बाद जाएंगे हमारे सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बताएंगे आज क्या सीखें. राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो. काम की बात के बाद अब हमारा सेगमेंट है जिसमें हम आपको बताएंगे आज क्या सीखें. रबिया राजपूत हमारे साथ हैं और ये करती हैं रेजिन आर्ट. नॉट किशमिश वाला रेजिन, कौन सा वाला रेजिन रबिया आपको खुद बताएंगी. अस्सलाम वालेकुम रबिया. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. और रबिया, जो आप आर्ट करती हैं वो बड़ा मैंने देखा आजकल फेमस हुआ है. मैं चाहूँगी पहले आप जरा एक्सप्लेन करिए कि हम किस आर्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं. यस, हम रेजिन आर्ट की बात कर रहे हैं. दैट इज अ वेरी यूनिक आर्ट दीज डेज. ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे भी जा रहे हैं. सो इट बेसिकली इट्स ए केमिकल टाइप, तो उससे ही सब बनता है. इस केमिकल का नाम में रेजिन का नाम भी होता है बेसिकली. अच्छा, सो ये मैंने देखा था एक बड़ी फेमस जो है ना वो एक हेयर ड्रेसर है, उनका नाम है असगर. क्या आपको पता होगा शायद महविश असगर है या उनका नाम काफ़ी फेमस है. वो भी करती हैं एंड शी हैज़ लाइक ब्यूटीफुल प्लेट्स. तो बड़ा जब मैंने उनका देखा मुझे समझ आ गया कुछ ट्रेंडिंग होगा. सो आज हम दिखाएंगे कि ये रेजिन आर्ट आप किस तरह से कर सकते हैं. इज़ इट डिफ़िकल्ट? इट इज़ अ लिटल बिट. ओके, सेफ्टी मेजर्स बहुत लेना ज़रूरी है. ठीक है ठीक है, उसके अलावा काम नहीं हो सकता. ओके, हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इट्स ए टॉक्सिक केमिकल. तो या यू हैव टू टेक सेफ्टी मेजर्स. मगर आपको कोई मास्क पहन के करना होता है? यस, मास्क पहन के करना होता है. यू हैव टू वेयर ग्लव्स. ओके, यू हैव टू वेयर गॉगल्स इवन. ओह, आई अंडरस्टैंड. ठीक है जनाब, चलते हैं हमारे स्टूडियो की जाने. yes. हम यहाँ पे करते हैं सेट की जाने बढ़ते हैं रबिया और ये काम स्टार्ट करते हैं. कब से कर रही हैं आप? इट्स लाइक अ क्वाइट ए ईयर नाउ. ओके, सो ये हमारा जो हम दिखा रहे थे कि जो आर्ट है बेसिकली वो ये है कि इफ़ यू आर एबल टू सी कि ये क्या खूबसूरत, इट कुड बी यूज्ड एज अ कोस्टर. कोस्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. कोस्टर, इट इज़ अ कोस्टर. एंड ये जो आर्ट हुआ है ना जिसमें आप देख रहे हैं, दिस इज वाइट एंड गोल्ड एंड ब्लैक, दिस इज डन बाय रबिया एंड शी हैज दिस ब्यूटीफुल प्लैटर. यस, ये बुक मार्क्स भी हैं. यस, खूबसूरत बुक मार्क्स भी हैं. दिस इज अ चीज बोर्ड कस्टमाइज. अच्छा, ये आप कोई सा भी चीज बोर्ड लेके इस तरह से साइड पे कर सकते हैं. यस, यू कैन कस्टमाइज योर नेम्स टू. नेम्स भी कस्टमाइज हो जाएंगे. अमेजिंग. तो आज आप हमें क्या बनाना सिखाएंगे? मैं कोस्टर बनाना सिखाऊंगी आज. चले, कोस्टर बनाने से पहले ये मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सा, इन्होंने ये छोटा सा क्यूट सा प्लेटर भी बनाया हुआ है. दीज आर ब्यूटिफुल बोल्स और आज हम बना रहे हैं रेजिन आर्ट से कुछ कोस्टर. कोस्टर. तो पहले तो मैं ग्लव्स पहन लूँगी. और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं. रबिया हमें समझाएंगी कि क्या क्या इसमें मटेरियल इस्तेमाल होगा. तो पहले तो आप ये बता दें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होगी और कहाँ से मिल सकती हैं. ठीक है, ये है रेजिन और ये है हार्डनर. आपको ये इजीली ऑनलाइन से ही मिलेगा. ठीक है, ऑनलाइन सारे पेजेस से मिलेगा. देन आई हैव ऑल दी अदर स्टफ़ यूज इन इट. आई हैव ब्लो टॉर्च, मेजरिंग स्केल एंड देन आई हैव कप्स, स्टिक्स एंड अ मोल्ड ऑफ अ कोस्टर. ठीक है, इसमें हम कोस्टर बनाएंगे. ये मोल्ड आपने कहाँ से लिया है, किस मटेरियल का मोल्ड है? दिस इज ए सिलिकॉन मोल्ड. ओके, ठीक है, और ये ऑनलाइन ही परचेज किया है मैंने. ऑनलाइन आप लिखें अगर सिलिकॉन मोल्ड. या देर आर वेरी मतलब वेरी पेजेस नाउ जो सब ये सेल कर रहे हैं. अच्छा, ईजीली मिल जाएगा अब तो. ठीक है, सिलिकॉन पे ही बनाना जरूरी है रबिया? यस, सिलिकॉन पे ही होता चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. सही,
आप हमें कॉल्स कर सकती हैं, कोई सवाल, कोई फरमाइश रबिया से कुछ पूछना चाहती हूँ बिल्कुल पूछ सकते हैं. तो हम करेंगे इसको स्टार्ट. लफ्स पहन के रबिया तैयार हूँ. अभी तो मैं मास्क नहीं पहन रही क्योंकि इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट. ठीक है, तो इस एरिया ठीक है. आई विल बी टेकिंग अ क्लीन ग्लास. पहले रबिया ग्लास को वे कर रही है. 2:1 के रेशो पे होता है. ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग रेजिन फर्स्ट. जो रेजिन वाला केमिकल रबिया बता रही थी वो ऐड करेंगे. 2:1 इन्होंने बताया, यानी कि 2:1 दो हिस्से इसके रेजन के और 1 इज द हार्डनर. ठीक है, हार्डनर मुझे थोड़ा सा ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पानी जैसी है, वो थोड़ा सा थिक था जैसे अगर आप ग्लूकोज सिरप देखा हो. हर रेजन की कंसिस्टेंसी अलग है, देयर आर मेनी ब्रांड्स. ओके, सबकी कंसिस्टेंसी अलग होती है. नाउ आई एम गोना मिक्स दिस स्लोली. आहिस्ता आहिस्ता दोनों को रबिया मिक्स कर रही हैं. हार्डनर इसमें है एक हिस्सा और दो हिस्से जो रेजिन वाला हमने आपको केमिकल बताया है वो है. या सही, दोनों अभी कोई कलर उन्होंने ऐड नहीं किया, अभी सिर्फ इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही हैं. क्लियर रेजिन है. ठीक है, मिक्सिंग इसकी बहुत ज़रूरी है सही से होना. ओके, वरना आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है. जैसे शेफ वाली अगर आप लैंग्वेज में देखें तो ऑयल और पानी को मिक्स करना उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, बहुत मुश्किल काम है. तो रबिया जो कम थिक चीज़ को और थोड़ी थिन चीज़ को मिक्स करेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. ठीक है, और ये बहुत इन है. मरियम असगर मैं बताना चाह रही थी, वो भी करती हैं, वो क्लॉक्स बनाती हैं बहुत सारी. यस आई डू दैट टू. है ना, यस बहुत क्रिएटिव आर्ट होता है इससे. बिल्कुल, सो ब्यूटीफुल. आप अपने किसी फ्रेंड को इस तरह से बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं, रबिया से परचेज कर सकते हैं, ख़ुद से अभी सीख कर बना कर आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं. यस, हमारे रेजिन फ़ोटो फ्रेम्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जाते हैं. फ़ोटो फ्रेम्स, यस. ओके, वो भी सिलिकॉन के होते हैं और उसके ऊपर ये काम होता है. यस, बेसिकली इट्स जस्ट अ मोल्ड. इसमें आप डालेंगे, 24 आवर्स बाद ये क्योर होगा. ओके, देन यू हैव टू टेक इट आउट. फिर जो प्रोडक्ट है उस पर फिनिशिंग होती है और बाकी सब होता है. ओके, सही. बस ये दो ही चीज़ों को अभी फिलहाल रबिया मिक्स कर रही है. यस, ये दो ही चीज़ें बेसिक हैं. बिल्कुल, यही इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसके अलावा यहाँ पे आई सी सम गोल्ड डस्ट सी मुझे दिखाई दे रही है. दीज आर फ्लेक्स. फ्लेक्स, यस. गोल्ड फ्लेक्स हैं. गोल्ड फ्लेक्स हैं, सही. हाफ एंड हाफ वाली टेक्निक से मैं आपको रेजन बना वो कोस्टर बना दूंगी. ठीक है, आधा इसमें से रबिया निकाल रही हैं. यस, एक पोर्शन में मैं ब्लैक कलर ऐड करूंगी. ये ब्लैक कलर कौन सा वाला है? कोई सा भी? These are acrylic paints. Acrylic paints. रेजिन में acrylic paints या फिर मेकअप पाउडर्स यूज कर सकते हैं. मेकअप पाउडर्स या फिर acrylic paints. उसमें वो बाकी वाटर पेंट्स और ये सब नहीं कुछ भी नहीं चलेगा. ये अच्छे से इस ब्लैक कलर को मिक्स कर रही हैं. ये आपको वैसे आसानी से मिल जाते हैं, ये आपको स्टेशनरी शॉप पे. These are easily available. सही, इसको अच्छा सा रबिया यहाँ पे मिक्स कर रही हैं. और आई एम सो एक्साइटेड टू सी अभी क्या होने वाला है. अभी तो सिर्फ एक सिलिकॉन का जो है ना कोस्टर है, थोड़ा सा दिखेगा, ज़्यादा समझ नहीं आएगा. सही, क्योर होने के बाद देन इट गिव्स द फुल आउटफुल लुक. सही, या गोल्ड फ्लेक्स रबिया इसमें से निकाल रही हैं. रबिया गोल्ड फ्लेक्स कहाँ से मिलेंगे? एनीवेयर. रुके मैं आपको गोल्ड फ्लेक्स मैं अभी रबिया को फंसाती हूँ. पेट्रोल पंप से मिल जाएंगे हमें? नहीं, मतलब कोई स्टेशनरी शॉप से मिलेंगे? स्टेशनरी शॉप नहीं, लाइक ऑल द रेजन पेजेस नाउ दे ऑल हैव स्टफ. ये चीज़ें ऑनलाइन आपको रबिया कह रही हैं आसानी से मिल जाएगी. सब मिल जाएगा आसानी से. रेजन की स्पेलिंग है RESIN, नॉट किशमिश वाली. सही है, सही. वी आर गुड टू गो. All right, दोनों मिक्सचर्स तैयार हैं और गोल्ड वाला भी और ब्लैक वाला भी. ठीक है, अब हम पोर करेंगे इसको. सही है, सही.
सिलिकॉन इनका होल्ड है, उस पर अभी आधे में ये पोर कर रही है ब्लैक लिक्विड। मैं दोबारा से बता देती हूँ, इसमें एक हिस्सा हार्डनर का इस्तेमाल किया गया है, दो हिस्से रेजिन वाले केमिकल के इस्तेमाल किए गए हैं, मिक्स किया है रबिया ने, उनको दो में निकाल दिया, लाइक हाफ एंड हाफ कर दिया, हाफ में उन्होंने ये ब्लैक एक्रेलिक कलर ऐड किया पेंट। अब गोल्ड फ्लेक्स वाला पोर्शन डालेंगे, ठीक है, जो बाकी का हाफ था जिसमें गोल्ड फ्लेक्स डाले थे रबिया ने, वो अब ये साइड पर ऐड करेंगे। ये वो शक्ल नज़र आना स्टार्ट हो गई है जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, आई एम श्योर इसके बाद कुछ रॉकेट साइंस होगी इसमें। जब आप इसको देखेंगे सारे इंस्टाग्राम पे जो है ना, फेसबुक पे आपको दिखेगा सो ट्रेंडी। यस, बहुत ज़्यादा इन हुआ है ये आजकल, बहुत ही खूबसूरत है। Now we're gonna take a blowtorch और जितने भी bubbles आए हुए हैं वो remove होंगे। अच्छा, blowtorch से? Yes। रबिया, blowtorch होती है जो cooking के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये मुझे different लग रही है। ये different है। ठीक है। वो थोड़ी big सी होती हैं। वो नहीं हम इसमें इस्तेमाल कर सकते। नहीं, वो बहुत ज़्यादा high flame पे होती हैं। अच्छा। So yes, we're done। Bubbles खत्म करना रबिया का मकसद था। Yes। ओके, अब ये 24 आवर्स बाद क्योर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्टिल पोजीशन में ऐसे ही रखना पड़ेगा इसको। अच्छा, इसको कुछ ऐसा होता है फ्रिज में या रूम टेम्परेचर पे या गर्मी सर्दी? ओनली रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, दैट्स इट। यस, ठीक है, और इसको टच नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस एज इट इज आपने रख देना है, राइट? यस। अच्छा जरबिया, जब ये 24 आवर्स के बाद जब आप इसको देखेंगे तो आप इस मोल्ड को क्या निकालेंगे, बिकॉज सिलिकॉन है तो आई एम अज्यूमिंग कि सिलिकॉन से ये होगा, राइट? ये बिल्कुल इजीली पोर आउट हो जाएगा, मैं सिर्फ इसकी एजेस को यूं यूं करूंगी। ठीक है, वो हार्ड प्लास्टिक बन जाता है जैसा ये। ठीक है, फिर मैं इसको निकाल लूंगी एंड देन आई गो अहेड फॉर द फिनिशिंग। ओह ब्यूटीफुल। अच्छा, जैसे ये फिर फिनिश्ड होते हैं, एजेस क्लीन होती हैं, फिर एजेस पे पूरी होते हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त आपको इसका टेक्सचर फील हो रहा है, ये इसी वजह से फील हो रहा है कि ये सूख गया, राइट? इस पे कुछ और ऐड नहीं है, इट्स क्योर्ड। यस, इट इज ओनली ये दोनों फॉर्मूलाज मिक्स करके, जिसमें एक रेजिन है, लाइक दो सर्विंग्स ऑफ रेजिन एंड वन सर्विंग ऑफ हार्डनर। हार्डनर, ठीक है। अच्छा, ये नाम आपने कैसे लिखा, ये हम देख सकते हैं क्या किसी तरह, कि नाम आप किस तरह लिखेंगे? ये विनर स्टिकर्स होते हैं, वो होते हैं एंड देन फिर फाइनल कोट जाता है। अच्छा, यानी कि जब ये सूख जाएगा और इस हाल में आ जाएगा, इमेजिन करें कि इस पे नाम नहीं लिखा हुआ, सो वो स्टिकर आप इस पे लगाएंगे एंड देन फिर फाइनल कोट। ओके, सही है। देखिए, स्टिकर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे स्टिकर तो दिखेगा, हल्का सा दिख रहा है, तो उसको आपने लगाया और रिमूव किया ऐसा? या लगाया, रिमूव करने वाला भी होता है, जस्ट अ स्टिकर भी होता है, यू हैव टू जस्ट प्लेस इट। ओके, ये वो वाला है जो आपने लगा के लगा दिया। अच्छा, और ये जो यहाँ पे एजेस आप देख रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ कि आपने बड़ा खूबसूरत ही कुछ गोल्ड भी साइड पे आया है। Yes, ये कैसे किया आपने? इट्स एक गोल्ड मार्कर, उससे एजिंग होती है इसकी। और ये गोल्ड मार्कर कोई सा भी गोल्ड मार्कर? या परमानेंट गोल्ड मार्कर जो होते हैं। ऑसम, मैं चाहूँगी आप अपने पेज का भी बताएं कि अगर इस सब इन तमाम सवालात के बावजूद आप नहीं बनाना चाहते या नहीं बना पाएंगे और खरीदना चाहते हैं तो किस तरह मैं से सिखाती भी हूँ? सिखाती भी है? Yes, I have students too. Okay. Yeah. तो किस तरह से आपसे रब्ता किया जा सकता है? इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे कर लें, मेरा पेज का नेम है खूबसूरती बाय बिया। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और मैं क्लासेस भी देती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी। Awesome, amazing. तो रबिया, जैसे अभी हमने ये बनाया है, यस, इसके लिए मोल्ड हमने इस्तेमाल किया है, राइट? तो आपने इसके लिए भी ऑफ कोर्स जो आपने हाँ प्लेटर जो बनाया, ये एक मोल्ड इस्तेमाल किया, ये एक मोल्ड, उसके बाद फिर आपने दोनों को खुद कनेक्ट किया, राइट? यस, ये आती हैं रॉड्स, टू टीयर की होती हैं, थ्री टीयर्स की होती हैं, तो ये फिर अटैच होती हैं इनमें। अच्छा, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो बुक मार्क आपने बनाया इसके अंदर, अब आपने ऑफ कोर्स ये बुक मार्क है तो इसमें ये होल किया है, तो ये होल किस तरह से होल हुआ होता है? इट्स अ मोल्ड। यस, इट्स अ मोल्ड टू, मोल्ड ही का पार्ट होगा, सो आपको ये करना नहीं पड़ेगा होल। yes. एंड इसमें आप कुछ भी किसी सिर्फ फिनिशिंग चाहिए होती है। साथ साथ मैं ये दिखाना चाहूंगी आपको कि ये भी एक मोल्ड के जरिए बनाया गया है एंड हैव अ लुक, ये पीछे से ट्रांसपेरेंट है तो ये इसकी खूबसूरती लिटरली बढ़ा रहा है। सो ब्यूटीफुल। मोल्ड हर साइज के मिल जाते हैं? मोल्ड साइजेस
होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, एंड मैंने तो इसको बोल बनाया है. इट वॉज अ ट्रे मोल्ड. तो आपने इसको बोल किस तरह से बनाया? जब इसको मैंने बना के रखा, उसके आई गेस 6 to 7 hours बाद ये थोड़ा सा स्टिफ हो गया था, तो मैंने इजीली उसको निकाला एंड आई जस्ट डी शेप्ड इट इन अ बोल. अच्छा, लेकिन आई थिंक इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए. तो इसके लिए बहुत चाहिए होती हैं. ओके, तो ये आप खुद से नहीं करिएगा. अगर रबिया के पास आके आप क्लासेस आके लेते हैं और सीखते हैं तो उनकी सुपरविजन में कीजिएगा ताकि सारा रिस्क इन पे आए. ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनी हुई है, ट्रिंकेट बोल्स. ये वाले भी आपने हाथ से बनाए हैं 6 घंटे? यस. अच्छा, ये भी दिस वाज अ कोस्टर फर्स्ट, फिर मैंने इनको शेप दिया. अच्छा, ये रबिया ने खुद इस तरह से हाथ से शेप दिया है. एंड ये जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये वाला काम आप कर सकती हैं. आसान वाले कामों में आसान वाले काम ये हैं. अभी कोस्टर से स्टार्ट करें, बुक मार्क से स्टार्ट करें. और ये दोनों खूबसूरत कोस्टर्स भी हैं. थैंक यू सो मच रबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यू वेलकम. और मैंने भी आज सीखा है कि वाओ, इट्स थोड़ा सा टेक्निकल बट ईजी. टेक्निकल है, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स भी बहुत हैं. हाँ, सो यस, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी सेफली. हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इससे. ओके, यस, केयरफुली आपको काम करना है. जो रबिया ने बताया, ग्लव्स भी पहनने, मास्क भी पहनना है. सो आज हमने ये सीखा कि किस तरह से ये रेजन आर्ट खूबसूरती से किया जा सकता है. रबिया के पास भी जाके आप सीख सकते हैं. अब टाइम है एक ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आने के बाद आयशाज पिक में आज मैं क्या चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको बताऊँगी राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो. द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात हमने की, उसके बाद आज क्या सीखे में मैंने भी सीखा, आपने भी सीखा ब्यूटीफुल रेजन आर्ट, जिससे आप ट्रेज बना सकते हैं, कोस्टर्स बना सकते हैं. और अब टाइम है हमारे सेगमेंट का, जिसका नाम है आयशाज पिक. रोज़ाना एक नई चीज़ मैं आपके साथ करूँगी शेयर, और आज की नई अनोखी चीज़, मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, वो है जनाब ये जार. टटड़े, आप बोलेंगे ये क्या, वो दादी जान का मर्तबान होता है, वो ये शेयर कर रही हैं. बेसिकली आज की टॉप पिक है दारचीनी, और ये कोई दारचीनी जिसको हम कहते हैं बेसिकली के जो हमारे यहाँ मिलती है उसका एक ख़ास नाम होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैसिया. दारचीनी में बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन ये जो दारचीनी सिनेमन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दिस इज़ नॉट केसिया. इसका नाम होता है सेलोन, और सेलोन CEYLON. ये ख़ास किस्म की दारचीनी होती है जो आपकी सेहत के लिए और ज़्यादा अच्छी होती है, और इसका टेस्ट दूसरी वाली दारचीनी से ज़्यादा मज़े का होता है. जितने भी आप दुनिया में देखते हैं कि सिनेमन रोल्स बन रहे होते हैं, एप्पल वाली डिज़र्ट्स बन रही होती हैं, बहुत सारी दारचीनी का उसमें इस्तेमाल होता है, इस वाली दारचीनी का इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, इसका जो है ना फ्लेवर, वो गरम मसाले से थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे होता है कि ये ज़्यादा मिठास होती है इसमें, और ज़्यादा तेज़ी होती है. मैं तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि दारचीनी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है. अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ़ एनी च्यूइंग गम, आप अपने बैग में रखते हैं छालिया की बजाय, किसी किस्म की शुगर वाली च्यूइंग गम की बजाय अगर आप इसका इस्तेमाल करें, माउथ फ्रेशनर के तौर पर काम आती है. ये आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है. दारचीनी में एक ऐसा इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो आपके ब्लड को थिन करता है. सो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अगर आप मॉडरेटली जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी गुड आपकी सेहत के लिए. और अगर आपको इस तरह से खाना आसान नहीं लगता, तो आप क्या कर सकती हैं कि जो कॉफ़ी ग्राइंडर होता है, जिसमें आप ड्राई चीज़ों को, धनिए को, ज़ीरे को ग्राइंड करते हैं, उसमें आप इसको ग्राइंड करके रख लें. और कोई भी अगर आप सुबह के टाइम दलिया खाते हैं या आप कोई फ्रूट्स खाते हैं, उसमें आप आधा टीस्पून ऐड कर लें. उससे एक बहुत मज़े का आपको रिफ्रेशिंग एहसास होगा, और बहुत सारे विटामिन सुबह सुबह आपकी बॉडी में जाएंगे. इट्स अ वेरी गुड थिंग. अगेन मैं दिखाना चाहूँगी, दिस इज़ द नेम सेलोन, और जो हम इस्तेमाल करते हैं वो केसिया होती है. अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उससे कुछ और ना मंगवाएं, उससे आप ये मंगवाएं दारचीनी, और इसको इन्जॉय करें एज इट इज़ अपने बैग में रख के, छोटे से एक पाउच में या एक बॉक्स में. इस तरह की रोज़ाना कुछ ना कुछ हम आपके साथ जो है ना वो शेयर करते रहेंगे. सो
वेल, काम की बात में आज हमने बात की ख्वातीन पे, और ख्वातीन की जहाँ भी आप देखें किसी भी तरह से वो मर्दों से कम नहीं है। पहली तो बात हम इसी तरह स्टार्ट करते हैं, बट व्हेन वी टॉक ऑफ होम मेकर्स एंड पीपल हु वर्क, यानी कि जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं पेचेक के साथ, जिसको हम वर्किंग वुमेन कहते हैं, या अगर उनका कोई बिजनेस है तो एंटरप्रेन्योर कहते हैं, या वो घर पे काम करती हैं, होम मेकर हैं, किसी से कम नहीं है। और अगर उन्होंने अपनी चॉइस से इंतखाब किया है अपनी इस ज़िंदगी का, जिसमें वो या तो घर बनाएंगी या फिर वो कोई ऐसा काम करेगी जिसके बदले में उनको कोई जो है वो मुआवजा मिलेगा, तो ये उनकी अपनी चॉइस है और वो किसी भी तरह किसी और खातून से कम नहीं है। एक होम मेकर की ऐसी स्ट्रगल्स होती हैं जो मैं और आप शायद सोच भी नहीं सकते। घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, किस ड्रॉअर में क्या है, सिर्फ खाना पकाना, सिर्फ लॉन्ड्री, ये तो बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हर वक्त वो ये सोच रही होती हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से मैं सही करके इस तरह लगा दूँ। सो इट इज़ अ जॉब विच नेवर एंड्स, एंड उसका कंपनसेशन अगर एक पैसे के सेंस में मुआवजा नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई होम मेकर हैं, चाहे वो आपकी अम्मी हैं, चाहे वो आपकी बहन हैं, चाहे वो आपकी बेटी हैं, आप दफ्तर से या कोई सा भी काम करके जब आप आराम से बैठती हैं और आपको हर चीज़ करी कराई मिल जाती है, आपकी ड्रॉअर्स जो है वो हमेशा साफ़ होती हैं, उसमें चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज होती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम। सो उनको सपोर्ट करें, उनको सराहें, उनकी हर स्टेप पे जो भी वो आपके लिए करती हैं उनको वो रिकग्निशन दें जो आपको मिलती है जब आप दफ्तर जाती हैं, या आप दफ्तर जाते हैं और आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके बॉस आपको कहते हैं कि वेरी गुड, वो वाली अप्रिसिएशन उनको मिलनी चाहिए बिकॉज उनकी कोई ऑफ नहीं है। एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थिंग दैट दे डू। कभी सोचें आप ऑफिस में कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और आपके बॉस कह रहे हैं हाँ ठीक है, और आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही, अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, उल्टा 10 काम आपने अच्छे किए थे उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो जो 11वां काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उस पर जो है वो आपको कोई कुछ कहता है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। सो घर जब आए, खाना बना हुआ हो, जो भी चीज़ें आपके सामने सर्व की जाएं, हर चीज़ की तारीफ़ करें, हर चीज़ को सराहें, अप्रिशिएट करें, रिकग्नाइज करें। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आप ट्रस्ट में किसी तरह से सुकून से दफ्तर में, या अगर आप अपने लैपटॉप पे भी काम करती हैं या करते हैं, तो नहीं कर पाएंगे। सो औरतों को सराहने का दिन है ये, कोई इंटरनेशनल वुमेंस डे हम नहीं मना रहे, मगर आपके घर में जितनी ख्वातीन हैं उनको सराहें, चाहे वो घर से बाहर जाके नौकरी करती हों या घर में एक नौकरी करती हों, जिसमें से पहली है घर को बनाना, घर को संवारना, ख्याल रखना चीज़ों का, हस्बैंड का ख्याल रखना एक और नौकरी होती है, जितने बच्चे होते हैं उतनी मुझे लगता है नौकरियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो वेल जनाब, ये है हमारी कोशिश, और अगर आपको आज का शो अच्छा लगा हो तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कल हम आपसे मिलेंगे सुबह 10 बजे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ मज़ीद बातों के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो कल तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से और मसाला टीवी की पूरी टीम की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।